श्री रामचरितमानस कान आज भाग 185वां संगीतकार सतीश भाटिया। ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? सुनि सुत बचन सने हमय कपट नीर भरी नैन भरत श्रवण मन सु विषादा जनु स हमें करी के हरिनादा तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी चलतन देखन पायूं तो राम ही सौंपे हूँ मोही बहुर धीर धरि उठे संभारी कहु पितु मरन है तुम तारी सुनि सुत बचन कहती है के मरम पाछी जनु माहुर दे आदि उठे सब आपनी करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी भर
दहि बिसरे उपितु मरन सुनत राम बन गौन हे तू अपन पौ जान जिय थकिता रहे जसु कीने उभोगो जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति तदन सिधाए अस अनुमानी सोच कुमारु पाके छत जनु लागंगारु धीरज धरि भरि लेहि उसासा पापिनि सबहि भाति कुलनासा जो पे कुरुचि रहि तो ही जन्मत का है न मारे मोही पेड़ काटी तै पाल सींचा मीन जियन नित बारी उलीचा राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई जब तय कुमति कुमत जी अठयऊ खंड खंड होई रुदऊ न गयऊ बर मागत मन भई नहीं पीरा गरि न जी हम पर उन कीरा भूप पतीति तोर की मिकीनी काल विधि मति हरि लीनी विधि हुन नारी हृदय गति जानी सकल कपट अघ अवगुण खानी सरल सुशील धर्मर तराऊ सोकि मि जानै दीय सुभाऊ को जीव जंतु जग माही जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही भेयति अहित राम देउ तोही को तू अहति सत्य कहु मोही जो हसी सो हसी मुह मसिलाई जाई
आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आज था भाग 185वां, संगीतकार सतीश भाटिया।